हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं मतलब बर्थडे के बाद आज ब्लॉग कर रही हूँ। तो अभी मैंने बाल सुखा लिया है, तो मैं सुबह सुबह नहा लिया था, तो मैं सोची थी आज पूजा जल्दी जल्दी हो जाएगा, जल्दी जा मतलब पहले पहले ले लूँगी। तो ऐसा सिचुएशन हुआ नहीं अब तक, मतलब अभी तक अंजलि नहीं लिया मैंने, तो नहा के ही बैठी हुई सुबह से। तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कब होगा, तो मैं डाइट हूँ ठीक है, बट अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया। तो आज सरस्वती पूजा है ठीक है, इसके अलावा भी और एक डे है, आप सबको भी पता है, मतलब वैलेंटाइन डे वीक है। सबसे पहले बोलती हूँ मैं मतलब हैप्पी सरस्वती पूजा आप सबको भी, और क्या बोलो, मेरे फैंस लोग जो है सब के लिए मैंने बोला है। और दूसरी बात, हैप्पी वैलेंटाइन डे माय फैंस ऑल। तो मैंने विश कर लिया जिन लोगों की बॉयफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड है उन लोगों को भी बोला है, और जिन लोगों की नहीं है उन लोगों को भी तो स्पेशल है। तो और आज मैं मतलब पहले प्लान नहीं था मैं कहीं पर जाऊंगी ऐसा कुछ, तो आज मैं कहीं पर जाने वाली हूँ। तो प्लान अचानक ही हुआ है, मैं सोची नहीं थी मैं जाऊंगी, मैं सोची थी पहले यार नहीं जाऊँ, क्योंकि आज का कोई प्लान ही नहीं था यार। मतलब आज का प्लान तो सब लोग करते हैं जिन लोगों का बॉयफ्रेंड होता है उन लोगों के साथ घूमना, और मेरा तो नहीं है, आप लोगों को पता है, कट क्लियर बोलती हूँ, नहीं है, बनाऊँगी भी नहीं, इस सिचुएशन में मैं पढ़ूँगी भी नहीं, मुझे पढ़ना भी नहीं है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी रेडी होती हूँ, रेडी होने के बाद यहाँ से निकलती हूँ। हम लोग पता नहीं आज कहाँ जाएंगे, भाई बोल रहे थे वो मतलब भाई के फ्रेंड के साथ निकलेंगे, वो लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे थे चलो ना दीदी मतलब ऐसा मत करो हम लोग से घूमो फिरो। तो मैं सोची अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जाऊँगी ठीक है। तो मैं पहले सोची थी घर पर ही रहूँगी, रेस्ट करूँगी, ऐसे अलावा मतलब निकलना अच्छा नहीं लगता ना। तो बाल मैंने सुखा लिया है, आज घर पे पापा भी हैं, मम्मी है, मतलब फुल फैमिली घर पे है। तो आज मैं साड़ी पहनूंगी, मतलब आप सबको पता है तो साड़ी पहनूंगी, तो आप सब देखेंगे आज कौन सा साड़ी पहनूंगी, मुझे भी पता नहीं है अब तक। तो पहले अंजलि देना पड़ेगा और मुझे मेकअप भी करना पड़ेगा। तो मैंने मुँह पर अभी तक कुछ नहीं लगा, मैं मुँह को ऐसे ना मतलब पानी देकर धोके आया, क्योंकि सुबह ही नहा लिया था मैंने, फेस वॉश वगैरह सब कुछ ब्रश वगैरह सुबह ही कर लिया था, तो अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, लिपस्टिक भी मैं नहीं लगाया, क्योंकि अभी लिपस्टिक करूँगी वो भी मैं खा लूँगी, तो इसकी वजह से वो भी नहीं खाना मेरे को अभी अंजलि लेना है। तो अभी मैं मन ना थोड़ा सा रेडी होती हूँ, क्योंकि अभी अंजलि का टाइम हो गया है, तो मैं इस ड्रेस में ही हूँ अभी। तो ये वाला ड्रेस मैं खोल के नया कुछ कुर्ती वगैरह पहनूँगी, क्योंकि कुर्ती पहन के जाना है ना अंजलि लेने के लिए, और साड़ियाँ भी पहनूँगी, तो इसके बाद कुछ दिक्कत होगा, क्योंकि आके मुझे खाना भी है, खाना खाना है, नहीं तो मैं मतलब बोल नहीं पाऊँगी आप लोगों के साथ, कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगी, कहाँ जाऊँगी क्या करूँगी मुझे अभी तक कुछ नहीं पता। तो अभी मैं जब जाऊँगी तो आप लोगों को सब डिटेल्स दिखा दूँगी। तो अभी मैं मेरा मुँह को ठीक कर लेती हूँ। तो मेरा ये है सनस्क्रीन, आप सबको पता है मैं ये सनस्क्रीन नहीं मतलब मॉइस्चराइजर क्रीम ये यूज़ करती हूँ, तो ये सनस्क्रीन से भी काम करता है। मैं जब यूज़ करती हूँ ना मतलब कहीं भी जाती हूँ ये लगा के जाती हूँ, तो सनस्क्रीन का भी इफेक्ट करता है इस पर, तो मैं जब भी यूज़ करती हूँ तो मेरा एक्स्ट्रा सनस्क्रीन भी है, तो मैं सनस्क्रीन ये वाला यूज़ करती हूँ। तो इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये जब यूज़ करती हूँ मुँह थोड़ा भारी भारी सा हो जाता है मेरा, मतलब कुछ भी आए ना कोई इफेक्ट नहीं होता इससे ना, मेरा मुँह फुल भारी भारी सा हो जाता है, इसकी वजह से मैं सनस्क्रीन यूज़ नहीं करूँगी। और आज तो थोड़ा मेकअप करूँगा, और देखो मेरा मुँह पर ना एक पिंपल आ गया है, देखो एक एक मतलब पहले तो बहुत थोड़ा थोड़ा था, तो देखो थोड़ा थोड़ा आ रखा है, बट ये वाला ना बहुत बड़ा हो गया। तो मतलब फुल दिखाने के लिए, मतलब मेरे सिचुएशन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है पता नहीं, छोड़ो। तो मैं अभी तक इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट नहीं किया, आज बाहर निकलूंगी तभी पोस्ट करूंगी। और मैं आपसे एक चीज़ सोच लिया है कि मैं आपसे ना मतलब ग्रूमिंग जो ऑप्शन है ना उस पर रोज़ मैं मतलब वीडियो वगैरह अपडेट करती रहूँगी, मैं कहाँ जा रही हूँ क्या कर रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से ना मैं ठीक से इंस्टाग्राम चला नहीं रही हूँ। आप लोग जो लोग मेरे स्टोरी देखते हो वो लोग मेरे को कमेंट करते हो तुम ठीक से स्टोरी क्यों नहीं लगाते हो, अपडेट क्यों नहीं देते हो, मतलब बहुत परेशान हो जाती आप लोगों की इतनी इतनी बातें सुनना पड़ता है ना, मतलब छोड़ो। अब मैं सोच ली हूँ मैं आपसे अपडेट दूँगी, तो चलो अभी मॉइस्चराइजर तो मैंने लगा लिया है, तो अभी मैं निकलती हूँ, मैं रेडी होती, रेडी होने का आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। चलो तो गाइस
प्लीज़ ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहना, ऐसा मत करना मतलब देख के छोड़ देना, ऐसा नहीं करना। मैंने मतलब बर्थडे ब्लॉग एक ही पार्ट अपलोड किया, मैं आज आप लोगों को बोल रही हूँ, तो कल मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि ब्लॉग को एडिट कर दिया है तो वो मतलब सेव नहीं किया, सेव नहीं हो रहा है, तो वो सेव होने दो। इसके बाद सेव होने में एक घंटा से ऊपर लगता है, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है सेव करने का, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो चलो, कल रात को ही मैंने एडिट कर लिया था, एडिट किया था, पर ठीक है मैं वो ना अपलोड कर ही नहीं पाई क्योंकि मैं सो गई थी। तो आज मैं मतलब अपलोड नहीं मतलब सेव के लिए मतलब टच नहीं किया, तो सेव नहीं हुआ, वो ड्राफ्ट में ही रह गया, तो उसको सेव करना पड़ेगा, फिर यूट्यूब पे जाके डालना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो मैं एक सोची कल ही कर लूँगी, क्योंकि आज अभी 12 बज गए, तो अभी अपलोड नहीं करूँगी, सुबह के टाइम अपलोड करूँ तो आप लोग देखते हो। तो चलो निकलते हैं। तो गाइस, फाइनली मैं ना उनसे लेकर रेडी होके, तो अभी चलो जाके उनसे लेते हैं। ये मेरे मतलब ये लॉन्ग है ना, बहुत ही लॉन्ग, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, तो पीछे से दिखाऊंगी तो फूल दिखेगा। तो एक फूल लॉन्ग है, ये वाला ड्रेस, तो वाला ड्रेस मैंने अभी तक पहना नहीं है, तो इसको पहनने के बाद। हेलो गाइस, तो फाइनली टाइम आ गया मेकअप का, तो कौन सा साड़ी पहनूंगी मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तो मैं जब मतलब गंडस खुलूंगी इसके बाद डिसाइड करूंगी कौन सा साड़ी पहनूंगी, पहले मेकअप कर लेती हूँ। मतलब कुछ कुछ ध्यान में है, अच्छा ए साड़ी है मेरे पास, मैं ए साड़ी पहन सकती हूँ, तो अभी पता नहीं। अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर, तो चलो मेकअप स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी मेकअप करते हैं, जल्दी जल्दी निकलते हैं। तो अभी तक अंजलि नहीं लिया क्योंकि अभी तक हुआ नहीं, 12:30 बज गए, मेरा भूखा माँ मैंने हो रखा है, अभी कुछ ना ठीक हो जाएगा। ये मैं लगा रही हूँ प्राइमर, मतलब एक पिंपल है मेरे पास, तो मैं सबको इन्विटेशन दे रही हूँ मेकअप करके, आ जाओ मेरे पास। मतलब सीन ऐसा हो रखा है कुछ ना, तो मैं भी प्राइमर लगाती हूँ। प्राइमर लगाने के बाद पता नहीं क्या करूँगी इसके बाद, मतलब लुक कैसा आएगा मुझे ही पता नहीं, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मतलब आज सरस्वती पूजा है और वैलेंटाइंस डे भी है, और मैं अभी रेडी हो रही हूँ, और कुछ नहीं पता कहाँ जाऊँगी कैसे जाऊँगी, अभी तक मुझे कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता होता है। तो चलो, हाँ गाइस, सिचुएशन ऐसा हुआ कि मैं प्राइमर लगा के निकल रही हूँ, क्योंकि ना मतलब अंजलि ना शुरू हो गया। तो चलो गाइस, फाइनली मेरा अंजलि खत्म हो गया, मतलब अभी आम का वो खाया मैंने। तो चलो अभी फोटा लेंगे, फोटा लेने के बाद घर जाऊंगी। আচ্ছা বুক দিন না, আমি তো কিছু করলেন না, যার যার বল নামে বুক দিন, তুসরা দিন মারা তো কইলে কইছিলাম আমি কইছি। तो गाइस, फाइनली घर वापस जा रही हूँ, बुक भी ले लिया है मतलब जो दिया था भाई के पास से, तो चलो अभी निकलते हैं। तो अभी हम लोगों को जल्दी जल्दी रेडी भी होना है, क्योंकि निकलना है, बहुत लेट हो गया, शायद 1 बज गए। तो चलो, मैं सोची थी 1 बजे निकल जाऊँगी, बट 1 बज अंजलि ख़त्म हुआ, तो चलो अभी रेडी होती हूँ जल्दी, मैं प्राइमर लगा के निकल गई थी, क्या बोलूँ। तो अब चलो, तो गाइस फाइनली मैंने बाल बांध लिया, अब जल्दी जल्दी रेडी होंगी, क्योंकि मैंने पायमाल लगा लिया है, और बाकी क्या है, पायमाल तो पहले ही लगाया, अब बाकी क्या है, तो ये है मिरर, मैंने इसको लाया क्योंकि वीडियो बनाते टाइम मेरे को दिक्कत होता है कैसा आईलाइनर लगाऊंगी, कैसे क्या लगाऊंगी, आप लोग के साथ कुछ अपडेट दे नहीं पाते हैं, तो ये है मेरा मिरर, तो इसके साथ मैं आप अपडेट दे पाऊंगी आप लोगों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, शायद बड़ा हो भी जाए तो भी मैं ठीक से अपलोड कर दूँगी। तो चलो, अभी क्या लगाऊंगी, अब फाउंडेशन लगाऊंगी क्योंकि पायलट ने लगा लिया है। तो चलो, ये है मेरा फाउंडेशन, तो इसको मैं लगाऊंगी अभी। चलो, Mm-hmm.
गाइस मैं आज मतलब फाउंडेशन को कर लिया, तो आप इसको ना मैं हर टाइम क्या करती हूँ फाउंडेशन लगाने के बाद लूमी क्रीम में एक साथ मिक्स करके लगा दो। आज फाउंडेशन फुल मिक्स कर लिया, आज अब देखती हूँ लूमी क्रीम लगा के, मतलब ये वाला लूमी क्रीम तो लगा के देखती हूँ मतलब क्या सीन होता है। पहले मेकअप को लगा ली, मतलब फाउंडेशन को लगा लिया, अब लगाती हूँ लूमी क्रीम को एक्स्ट्रा करके आज लगा रही हूँ, मतलब लुक कैसा है ये देखने के लिए। वाओ बहुत ही सुंदर लग रहा है ना, देखो इस गाल से इस गाल कितना चमक दे रहा है ना, इसलिए मैं एक्स्ट्रा करके लूमी क्रीम लगाती हूँ। मतलब ऐसा करने से बिना आप लोग क्या कर सकते हो, मतलब इतना रेडी होके भी कहीं भी जा सकते हो, मुँह फुल लगेगा मैंने मेकअप बहुत ज़्यादा कर लिया, ओवर कर लिया, बट मेकअप तो किया ही नहीं, मतलब ऐसा मतलब शाइनिंग ग्लो जैसा लुक आएगा। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि वैसे लेट हो गया भाई, आप मेरे को ना डांट पड़ेगी क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट कर लिया। हो गया ना कंप्लीट, अभी लगाऊंगी मुंह का तो वाला कंसीलर में लगाऊंगी, ये भी लिक्मे का है, मैं लिक्मे का प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जहाँ पिंपल है वहाँ पर मारूंगी, क्योंकि ये ना थोड़ा डार्क शेड है, देखो थोड़ा सा डार्क शेड है ना, मतलब डार्क शेड की वजह से नहीं समझ में आएगा, जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा डार्क शेड है ना वहाँ पर मारूंगी, मतलब जैसे पिम्पल होगा ना वो रिमूव हो जाएगा छटके पे ही। पिंपल है समझ ही नहीं आ रहा ना, मतलब पिंपल नहीं है फिर भी, मतलब इसको लगा रही हूँ, मतलब जैसे मान लिया मतलब समझ ही ना आए मेरे मुंह पे थोड़ा थोड़ा पिंपल है, इसके लिए यहाँ पे पिंपल नहीं, मतलब थोड़ा ब्लैकनेस है ना यहाँ का जगह, मतलब इसलिए मैंने यहाँ पर दिया, और यहाँ पर भी मेरा थोड़ा थोड़ा पिंपल दिख रहा है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर लगा लिया, मतलब पिंपल का रिमूव करने के लिए था। अब गया, अभी लगाऊंगी कंसीलर, देखो बस आप लोगों को बताया मैंने मतलब बर्थडे मेकअप पे भी ये दो यूज़ किया था, तो ये है वाइट वाला, इसको मैं आँख के नीचे यूज़ करूँगी जैसे मान लिया जाए डार्कनेस दूर करने के लिए। वीडियो चल रहा है तो चल ले, आँख के नीचे का डार्कनेस फुल दूर हो गया, अब इस आँख में देखो दिख रहा है ना, इस आँख पे नहीं दिख रहा, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अभी मैं मतलब पार्लर ज़्यादा यूज़ नहीं करती, खुद ही मेकअप करती हूँ, और खुद ही मैंने ना ऐसे अपने यूट्यूब वीडियो देख देख के सीखा है, जी यूट्यूब में इतना बेस्ट मेकअप है ना, उन लोगों से आप उन लोगों का वीडियो देखना, मतलब मैं शेयर करूँगी आप लोग चाहें तो मैं उन लोगों से वीडियो देखती हूँ, तो खुद ही मैं ऐसे ऐसे मेकअप कर लेती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं होता है मतलब कहीं भी जाने का, तो नाक थोड़ा वाइट करना है, वाइट एक मैं बाद में दे दूँगी, और इसको यूज़ करती हूँ इसके नीचे जो मैंने अभी यूज़ किया ना, इसके नीचे ये वाला पोर्शन यूज़ करूँगी, मतलब मिलाने के लिए यूज़ हो गया, तो मतलब इसके नीचे ये वाला पोर्शन यूज़ करूँगी तो समझ में नहीं आएगा, मतलब फुल क्लियर हो जाएगा, अच्छा स्किन कलर ये है। लो हो गया, मैं कंसीलर उसको क्या बोलते हैं कंसीलर कंटूर ही यूज़ कर रही हूँ अभी एक्स्ट्रा, मतलब इससे एक्स्ट्रा मैं ऐसे लगा लूँगी, कुछ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है अभी, नाक का शेड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही नॉर्मल मेकअप कर रही हूँ ना इसकी वजह से। अभी कंप्लीट हो गया है ये वाला, मतलब मेकअप पोर्शन कंप्लीट हो गया, अभी कुछ नहीं लगाना, पाउडर वाउडर बाद में लगाऊंगी, अभी आई शुरू आई मेकअप कर लेती हूँ क्योंकि आई अभी कंप्लीट करना ज़रूरी है।
के लिए मैं यूज़ करूँ, ये मैंने नायका से लाया है। ये वाला प्रोडक्ट प्राइस कितना है मुझे याद नहीं है। इस पर बहुत सारा शेड है, देखो एक ग्लीच है, मतलब इसका ना आई के ऊपर भी दे सकती हूँ, और ये ना मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब स्किन कलर है, और ये है ब्राउन कलर, ये ब्लैक कलर, ब्लैक कलर के अभी ये कर सकती हूँ, और ब्राउन में आज ब्राउन करने वाली हूँ क्योंकि ब्राउन ज़रूरी है, तो इसलिए आज मैं ब्राउन कर रही हूँ। तो चलो लो हो गया, मतलब मेरा मतलब आईब्रो कंप्लीट हो गया। तो अभी क्या करूँगी, अभी कुछ नहीं, अभी आईलाइनर लगा लेती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी करना है, जो भी करना है। इससे पहले मेरे को काजल लगाना है, काजल के बाद ही मैं आईलाइनर लगा पाऊँगी क्योंकि शेड दे रहा है, क्योंकि यार साड़ी पहनना है इसकी वजह से। तो गाइस फाइनली मैंने एक आँख में लगा लिया है, मैं ना छोटे मिरर से ट्राई कर रही थी पर मुझसे नहीं हो रहा, इसलिए मैंने बड़ा वाला मिरर लिया है, मतलब आईलाइनर लगाने के लिए, छोटे मिरर से मेरा नहीं हो रहा था। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं। गाइस देखो ऐसे मैंने शेप दे दिया ना, तो अब इसको ही मतलब फुल कम्प्लीट करूँगी ना, हो जाएगा तो इसके बाद मैं बोलती हूँ। गाइस देखो मेरा ब्रश, बहुत सारा ब्रश है, तो मैंने कुछ कुछ लगाया, कुछ कुछ नहीं लगाया है। मेकअप कंप्लीट हो गया, अब आई का थोड़ा थोड़ा बाकी है, मस्कारा लगाना बाकी है, तो वो कंप्लीट कर लो, लिपस्टिक खत्म। तो चलो जैसा, तो गाइस मैं अभी रेडी हो जाऊंगी, तो मैंने छाया पहन लिया, तो मैं आज ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। तो ये साड़ी मेरे फ्रेंड ने दी है मेरे को, तो मैं कितनी देर से सोच रही हूँ मैं साड़ी पहनूंगी, बट कब पहनूंगी पता नहीं। तो मैं आज ये वाली साड़ी पहनी, मैं सोची थी कौन सा पहनूं कौन सा, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। तो अभी फोटो लगाना बाकी है, तो फुल मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया, तो चलो जल्दी जल्दी रेडी होते हैं, बहुत ही लेट हो गया। तो चलो, तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो गई, तो बहुत ही लेट हो गया, तो अभी चलो घर से निकलते हैं, निकलने के बाद मैं मेरा फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो चलो, तो गाइस फाइनली घर से निकल गई, बहुत ही लेट कर लिया सच में, अभी कितने बजे, 2 बज रहे हैं। ओ माय गॉड, मुझे और जल्दी मतलब जाना था, पता नहीं अब जाके देखते हैं। बट गाइस मेरा लुक कैसा है आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना। गाइस देखो कितना भीड़ जम गया, गाइस देखो कितना भीड़ है, गाइस अभी से इतना भीड़ है। गाइस फाइनली देखो कितना बड़ा जाम लग गया, कैसे जाऊंगी पता नहीं, बहुत ही जाम है। गाइस देखो कितना बड़ा जाम लगा है, ऐसा दिख नहीं रहा ना, फिर से देखो मैं जाते जाते दिखाऊंगी। वाओ देखो लास्ट तक जाम है, ए माय गॉड। गाइस फाइनली आज तो गई, मतलब कैसे जाऊंगी कुछ पता नहीं चल रहा, इतना जाम लगा हुआ है ना, क्या बोलो, अच्छी लग रही नहीं, पता नहीं मेरे को भी पता नहीं, मैं ठीक से मेरा लुक भी नहीं देख पाई ना आज, मैं फोटो में देखूंगी मैं कैसी लग रही हूँ आज, थोड़ा ज़्यादा मेकअप करने से टाइम लग गया, मैं सोची मतलब धीरे धीरे करूँगी, तो सुंदर करके करूँगी, सुंदर करते मतलब करने गई तो पता नहीं, मैंने इसके साथ मैचिंग ईयर रिंग से वाला लगाई था, अच्छी है ना। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पर आई हूँ मतलब फोटोशूट के लिए, मतलब ये बहुत अच्छे लोकेशन है, फुल रोड साइड है, तो इस शादी में अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर शूट करी। चलो, तो गाइस फाइनली ना फोटो क्लिक कर लिया, अब फोटो बहुत मस्त मस्त फोटो आई, तो वीडियो नहीं बनाई अब देख ली। तो चलो, तो गाइस फाइनली फोटोशूट कम्प्लीट हो गई, तो एक रील मैंने ऐसे ही लिया, मतलब ऐसे ही शूट के थ्रू, मतलब मुझे पता नहीं कौन से सॉन्ग में बनाऊंगी,
सॉक्स तो ऐसे ही ले लिया, क्योंकि घर से मेरा सॉक्स सिलेक्ट करके नहीं आया, ऐसे ही ले लिया था, तो ऐसे ही बना लूंगी। पता नहीं अब चलो जाते हैं, जहाँ जा रही हूँ वहाँ ही जा रही हूँ। फाइनली 3 बज गए, पता नहीं कैसे जाऊँगी, कब जाऊँगी।